बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज मैं आपको अपने चैनल के हवाले से बताने जा रही हूँ कि मेरे इस चैनल पे आपको माशरती हालात के हवाले से भी आगाही दी जाएगी, सियासत के हवाले से भी बातचीत होगी, यहाँ पे कानूनी निकात के हवाले से भी आपको आगाह किया जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड की जाएगी, फनकारों की जिंदगी से मुतालिक खबरों से भी बाखबर किया जाएगा, स्टोरीज भी आपको मिलेंगी यहाँ पे, पोइट्री भी होगी, हिस्टोरिकल स्टोरीज भी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, और इसके अलावा ओवरऑल आपको जो कुछ भी प्रोवाइड किया जा सका आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। आज मैं आपसे तानिया शाह के हवाले से, हमारे एक मोहतरम वकील साहब हैं, हमारे एक सीनियर वकील साहब हैं सज्जाद हुसैन काठिया साहब, इनसे आज तानिया शाह की जायदाद जो आमिर लियाकत के जायदाद में वो क्लेम कर रही है उसके हवाले से हम इनसे कुछ सवाल करेंगे, ताकि कुछ हमें भी हमारे जहनों में जो सवाल कुल बुलाते रहते हैं उसके बारे में हमें पता चल सके कि दानिश क्या वाकई में इस जायदाद की हकदार है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए, आप ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। तो आपको पता तो चल गया होगा कि आज हम आपसे किस हवाले से बातचीत करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम इनसे सवाल करते हैं कि क्या हम दानिया शाह को आमिर लियाकत की बेवा कह सकते हैं? सर आप बताइएगा। जी हम बिल्कुल दानिया शाह को आमिर लियाकत हुसैन की बेवा कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो डाइवोर्स मुयस्सर ही नहीं हुई थी। तो सर क्या दानिया शाह ने जो अदालत में खुला के लिए दावा दायर किया है, तो उस हवाले से फिर आप क्या कहते हैं कि वो फिर भी अभी तक बेवा ही कहलाई जाएगी जबकि वो खुला के लिए दावा दायर कर चुकी है? खुला का दावा दायर करना और तलाक का मुअस्सर होना में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि खुला का दावा दायर हुआ है ना कि तलाक हुई है, और उसके आगे प्रोसेस है, वो प्रोसीडिंग अभी कंप्लीट ही नहीं हुई, ना तो अदालत ने कोई डिग्री दी और ना ही उसके मुअस्सर होने का कोई यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट हासिल किया गया, तो इस हवाले से अभी तो इनकम्प्लीट है सारे मामला, इसलिए हम बिल्कुल बेशक हम इनको आमिर लियाकत हुसैन की बेवा कह सकते हैं और वो हैं। तो क्या उसका आमिर लियाकत की जायदाद में हिस्सा भी बनेगा? जी बिल्कुल, जैसे तमाम कानूनी वारसान हैं उसी तरह आमिर लियाकत हुसैन की बतौर बेवा उनका हिस्सा प्रॉपर तरीके से बनेगा, और जैसे बाकी लीगल हेयर हैं ये भी उसकी लीगल हेयर में शुमार होगी। और अगर आमिर लियाकत के बच्चे उसको उस जायदाद में हिस्सा ना देना चाहें तो फिर आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए कानून अपना रास्ता खुद बनाता है, और जो कानून है कानून के मुताबिक चूंकि वो आमिर लियाकत हुसैन की बेवा है और उसको कानूनी और शरई तौर पे उसका प्रॉपर हिस्सा मिलेगा, और ये अब गवर्नमेंट की अदालतों की जिम्मेदारी है कि वो कैसे उसको उसका प्रॉपर हिस्सा देते हैं। कोई बंदा किसी का हिस्सा गजब नहीं कर सकता जब तक कि ये हमारे मुल्क के इदारे और हमारे मुल्क की अदालतें कायम व दायम हैं और कानून के मुताबिक उनकी प्रोसीडिंग प्रॉपर होगी और उनको कानूनी हिस्सा बिल्कुल मिलेगा। सर आम आवाम की राय ये है कि उसको हिस्सा नहीं मिलना चाहिए दानिया शाह को, क्योंकि आवाम उसके खिलाफ काफ़ी नफरत रखती है और वो समझते हैं कि आमिर लियाकत की मौत उसकी वजह से हुई है, तो जबकि वो अदालत से खुला के लिए रुजू भी कर चुकी है, तो फिर भी उसका कोई हक बनता है? जी कानून जो है, कानून आवाम की राय को मद्देनजर रख के नहीं बनाया जाता, जो फैक्ट्स हैं जो हालात हैं उनको मद्देनजर रख के कानून बनाए जाते हैं, और कानून ये कहता है कि जब तक तलाक मुअस्सर नहीं होगी, मुअस्सर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उस वक्त तक वो बेवा ही रहेगी, और ये कहीं पे भी साबित नहीं हो सका कि सिर्फ उसकी वजह से आमिर लियाकत हुसैन ने ये जो अटैम्प्ट किया है वो किया है, ये कहीं पे भी ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, और सुनी सुनाई बातें जो होती हैं वो कानून उनके ऊपर बिल्कुल अमल पैरा नहीं होता, कानून एक सेटल लॉ होता है जिसके मुताबिक जो भी किसी का हिस्सा बनता है कानून उसके मुताबिक हिस्सा दिया जाता है। काठिया साहब आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी। नाज़रीन आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।